हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया है, कल वीडियो बनाया नहीं है, काम बहुत ज़्यादा हो गया था तो उनकी वजह से वीडियो बना नहीं पाया है। और पुराना वीडियो है लेकिन वो सब भी एडिट करने के लिए टाइम नहीं है। कल भी 6 बजे या 6:30 तक काम किया है, फिर जाके रात को जाके बैल गाय बांध के आ गया, आते ही नहा लिया, नहाने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद नींद आ गया था। स्नोबी ने घर को थोड़ा खराब कर दिया है। और स्नोबी खराब है, बारिश गिर गई और भी खराब कर दी। ये सब कर देती है वो। ये अभी दो बार मार खाया है, वो खाना नहीं खाएगा अभी। स्नोबी देखो इसको। अर्जिता और अर्जिता की मम्मी उठी नहीं है। सिंची की सिस्टर बोल रही है उनको मत उठाना बोल के, उठने से वो थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा रोएगी सुबह और रात को भी सोने के टाइम में रोती है वो। तो वो दोनों उठी नहीं है, इसलिए सब यहाँ पर रखा हुआ है, ये लेके नहीं गया है। तो वो लोग उठने का बाद ये सब वहाँ पे लेके जाएंगे। ब्रश किया नहीं, ये अभी ब्रश कर लेता हूँ। सुबह उठ के मैंने थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लिया। कल भी दिन भर बारिश गिरे नहीं है, रात में बारिश गिरी है। और परसों भी ऐसा ही किया है, दिन में बारिश गिरी नहीं है, रात को गिरी है। तो अच्छा है, रात को बारिश गिरने से जो है ना दिन में अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। इस तरफ का जो रास्ता है ना वो पूरा खराब हो गया है। ये मुर्गा क्या हो गया, कल से खाना भी नहीं खा रहा है वो। कल जो है ना वहाँ घूम के खा रहे थे, चार मुर्गा मुर्गी जाके ये सब। तो ये जो है ना सुबह में गया, दिन में भी घर में आया नहीं। ये तीनों घर पे आके फिर चला गया, लेकिन ये आया नहीं। ये फिर शाम को भी नहीं आ रहा था, बाद में सिंची की सिस्टर ने उनको पकड़ के लेके आई। वो देख सकते, पहले तो वो ये सबको मारता था, अभी वो मार नहीं पा रहा है। खाना भी उसने खाया नहीं, ये चावल भी। तो जल्दी से ब्रश कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा YouTube चैनल लाया हूँ जिसको देख के आप लोगों को अपनी बचपन की याद आ जाएगी। उस चैनल का नाम है मिनी रसोई टेल्स। बचपन में हम लोग छोटे छोटे बर्तनों में खाना सब्जी पका के खेलते थे, तो उसी टाइप का चैनल है। और आप लोगों को वो वाला चैनल में बहुत सारा रेसिपी भी देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए अभी और रिलीव करें अपनी बचपन की यादें। मिनी रसोई टेल्स का यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में कॉमेंट में भी पिन कर दिया है। तो अभी उनका सेटअप देखते हैं और साथ में उनका रेसिपी वगैरह भी देखते हैं, वो कैसा खाना बनाते हैं, तो आप लोग भी देखिए। तो आप लोगों ने देख लिया है कैसे बनाते हैं, साथ में आप लोगों को वो वाला चैनल में बहुत यूनिक तरह का रेसिपी भी देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब करके वीडियो देख के अपनी यादें को ताज़ा कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया है। ब्रेकफास्ट के लिए पराठा बना रही है। ये प्याज दिया है ना। दोनों उठ गई है। अजीत वहाँ पे जो है ना, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मुर्गी ने अंडा देखे रखा हुआ है, ये देख लो। अरे यहाँ पे अंडा दिया है,
सोचो वहाँ पे उन लोगों के लिए जगह बना के रखा हुआ है अंडा देने के लिए, और यहाँ पे अंडा दे दिया। कौन सा मुर्गी ऐसा किया है? यहाँ पे भी बहुत दिनों से अंडा दिया नहीं है। पहले कितना था? 5 था, तो एक खाया है अभी भी। उसके बाद में 4 था, तो अभी भी 4 ही है। तो अभी मैं ये लाके रख दिया, अभी 5 हो गया है। बहुत दिनों से अंडा दिया नहीं है इसमें भी। ये सब बहुत फिसलते हैं ये सब में, वहाँ पे भी, और ये सब बारिश गिरने का टाइम बहुत फिसलते हैं। घर बहुत ख़राब है, बहुत दिनों से लिपाई भी नहीं की है, और साथ में बारिश भी गिर रही है। ब्रेकफास्ट करके गोबर लेने के लिए आ गया था, मैंने ले लिया है गोबर। नदी का पानी भी बड़ा हो गया है रात भर बारिश गिरने की वजह से। यहाँ पे जो है ना कोई भी धान लगाया नहीं है, अभी भी बहुत सारा धान लगाने के लिए बाकी है। वहाँ पे लगा लिया है आगे में, और इस साइड में भी लगा लिया है वहाँ पे, और वहाँ पे भी लगा लिया है, यहाँ पे बाकी है। नीचे में भी शायद लगाया नहीं होगा, वहाँ पे भी लेट लगाते हैं धान, और साथ में हम लोग भी लेट लगाते हैं धान। मेरी वाइफ की सिस्टर आज घर लिपाई करने वाली है, घर बहुत ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गोबर लेने के लिए आ गया। कब से बोल रही थी मुझे गोबर ला के दो, मैं लिपाई कर देता हूँ बोल के, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कल उसने स्नेल उठाई थी सिंची की सिस्टर ने, तो वही बना रही है। ये दाल के साथ बनाएंगे हम लोग, सोदा खारीची बोलते हैं, तो उनके साथ बनाएंगे, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। दाल के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चावल हो गया, बस हो गया ना, थोड़ा सा मार्केट का है, घर का हम लोगों ने सुखाया नहीं है, तो ये मार्केट का जो है ना खाने के लिए इतना अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा नहीं है। अरे वो भी वीडियो बनाने वाली है, दे वीडियो थारी वो आदि को थारी वो। मैं आप लोगों को स्नेल का रेसिपी दिखाने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने बिना पूछे और सब्जी पका लिया है, तो दिखा नहीं पाया है। ये देख लो, ऐसा करके दाल के साथ बनाई है। मिर्ची भी ज़्यादा डाला नहीं है, दो ही डाला है बस। मिर्ची ज़्यादा खाते नहीं हम लोग। इसमें सोडा दिया है, बेकिंग सोडा, हम लोग करीची बोलते हैं, वो देखिए बनाई है। खाने के लिए बहुत अच्छा है दाल के साथ, ऐसा बना के खाने के लिए। जो राइस है ना वो भी दाल दिखती है, कभी कभी ऐसे होने वाला है, ये अभी हो जाएगा। तो मैं जल्दी से टमाटर चटनी कर लेता हूँ। टमाटर नहीं, ओहो जाके थोड़ के आ जाना। ये जो लॉन्ग बीन्स है ना, उनके साथ टमाटर देके चटनी बनाऊंगा। तो जल्दी से मैं बीन्स तोड़ लेता हूँ, लॉन्ग बीन्स। ये हो जाने के बाद चटनी बना के खाना खाएंगे। शाम को शायद बारिश आएगी। तो मैं तोड़ लेता हूँ पहले लॉन्ग बीन्स। अभी चटनी बना रहा है, तो मैंने इसमें 2 मिर्ची और साथ में 1 टमाटर जला के डाल दिया है। अभी थोड़ा सा ये प्याज आधा लिया हुआ है, आधा रख दिया है। लॉन्ग बीन्स ज्यादा नहीं खाने का,
हम लोग तो नहीं खाता है। रानी बुद्ध लोग हाँ दिंगा दिंगा हो गया है मेरा चटनी। नमक डाल दिया है, बाद में फिर से नमक कम होगा तो डालेंगे। अभी खाना खा लेती हूँ। अभी खाना खाएंगे, आ जाओ। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे, अर्जिता और मैं यहाँ पर सो गया था, तो वो भी उठ गई है हाय, और साथ में मैं भी। ये पूरा नीचे में हो गया है। आ गाड़ी लिपाई कर दी है, देख लो। सुबह में अच्छा अच्छा सुबह में धूप दिया था, लेकिन देख लो अभी बारिश गिरना स्टार्ट हो गई है। ये ऐसा बना दिया है, पूरा खराब हो गया था, तो जस्ट मैं अभी उठाऊ, उठ के देखा ये कंप्लीट कर दिया है उन लोगों ने। और किचन लिपाई किया है कि नहीं? किचन भी हो चुका है, सूख गया है। ये ऐसा देख के रखा हुआ है, तो इसको अच्छा से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा ये। ये भी खराब है, देख लो। हो रानी भी ने आराम से आराम सुनो भी खाना नहीं खा रहा। आ आ आ मेरे बिल्कुल कम पकड़े हैं उनके रानी लाख से पैक करने का कारण है कि कौन डाका सुनो भी खाना नहीं खा रहा ये ठीक से, बीमार है शायद। खो खत्म हो गया है लिपाई करने के लिए। अच्छा अच्छा 12:30 हो गया है, 11 बजे शायद मैं सो गया था खाना खाने के बाद। हमारे विलेज पे ऐसा ही चूल्हा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा देख लो, यहाँ का चूल्हा बहुत बड़ा, लकड़ी जो है ना ज्यादा लगता है ऐसा चूल्हे में, रानी इसमें थोड़ा कम लगता है, अच्छा है, और गर्मी का दिन में गर्म भी नहीं होता है ऐसे वाला चूल्हा में। और यहाँ पर जला निकलना, बारिश भी खत्म हो गया है। आसान देखता है लेकिन तकलीफ होता है इसको बनाने के लिए। अच्छा सही बोला ना मैं। 3 बजे हो गया है, सब मुर्गी के लिए दे दिया है चावल। वो वाला चावल नहीं खाते। ये वाला बस घूम के रहता है, खाते नहीं है ना। वो खाते हैं, उनको जो है ना बंद करके देना पड़ेगा चावल, तब खाएंगे वो। और 3-4 नहीं है, 3 नहीं है ना, नीचे में गया हुआ है।
धान की खेत में खाने के लिए। तो अभी चलता हूँ, यहाँ पे एक बेल बांध के रखा हुआ है, वो लेके नीचे में लेके वहाँ पे बांध के रख देंगे। यहाँ पे जो है ना घर के सामने में बहुत ज़्यादा घास हो गया है, तो उनकी वजह से ये एक यहाँ पे ला के रख दिया था, छोड़ के रख दिया था, लेकिन मैं सोते टाइम उनको बांध के रख दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।